वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्स की कैसे पैटर्न को प्रिंट करेंगे। देखिए, हमारी ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है और ये हमने कंडीशन अप्लाई की हुई है इफ आई इक्वल इक्वल टू जे और जेड इक्वल इक्वल पी वाई। ये हो तो क्या करे, स्टार पैटर्न प्रिंट कर दे, अदरवाइज हमें क्या प्रिंट करके दे, स्पेस। तो देखिए, पी वाई की वैल्यू हमने 9 इनिशियलाइज की है और इसको हम हमेशा डिक्रीज करेंगे जब जब ये फॉर लूप इनर लूप क्लोज होगा, ठीक है। और एन की वैल्यू हमने 9 असाइन की है, मतलब की रो भी 9 टाइम चलेगा और कॉलम भी 9 टाइम चलेगा। देखिए, हमने पहली कंडीशन क्या लगाई हुई है इसमें, इफ आई इक्वल इक्वल जे, मतलब कि रो भी सेम हो कॉलम भी सेम हो। रो सेम कब रहेगा, देखिए ये पहली रो, ये पहली कॉलम, ठीक है, ये दूसरी रो, ये दूसरी कॉलम। तो मतलब ये जब जब सेम हो रहा था, देखिए ये पैटर्न प्रिंट कर दिया, फिर ये पैटर्न प्रिंट कर दिया। जब थ्री रो होगा थ्री कॉलम तो ये पैटर्न प्रिंट करेगा, फोर रो फोर कॉलम ये पैटर्न, फिर फाइव रो फाइव कॉलम, फिर सिक्स रो सिक्स कॉलम, फिर सेवन रो सेवन कॉलम, फिर एट रो एट कॉलम, फिर नाइन रो नाइन कॉलम। तो इस तरह से ये हमारा प्रिंट हो गया, इसका टेंशन नहीं है, प्रिंट हो गया। अब इसको देखते हैं इसको क्या होगा। देखिए, दूसरी कंडीशन हमने अप्लाई की जेड इक्वल इक्वल पी वाई, मतलब कि जेड की वैल्यू और पी वाई की वैल्यू सेम हो। तो पी वाई की वैल्यू अभी क्या है, नाइन, और जेड की वैल्यू कब पी वाई की इक्वल होगी, जब जेड की वैल्यू नाइन होगी। तो देखिये, ये नौवा रो कॉलम है, कौन सी रो है, जे क्या है, नौवा, तो नाइन्थ रो, और पीवाई की वैल्यू भी नाइन है, तो ये पैटर्न प्रिंट करके देगा। फिर अब पीवाई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे देखिए पीवाई की वैल्यू डिक्रीज हो गई, एक डिक्रीज हो गई, मतलब पहले नाइन थी अब एट हो गई, तो यहाँ पे एट आएगा। और जेड की वैल्यू क्या कब होगी, एट, जब जब जेड की वैल्यू जे की वैल्यू एट होगी, तो यहाँ पे पीवाई की वैल्यू भी एट होगी, तो ये प्रिंट करके देगा। फिर ये प्रिंट करके देगा, फिर ये प्रिंट करके देगा, फिर ये प्रिंट करके देगा, फिर थ्री टू वन। तब जब कंडीशन ये पीवाई की वैल्यू एकदम लेस देन क्या हो जाएगी, अब कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा पीवाई करते करते, अब लूप जब क्लोज हो जाएगा पूरा, तो क्या कर देगा, ये पूरा पैटर्न, मतलब ये खत्म हो जाएगा लूप, तो हमें एक्स की वैल्यू पूरी प्रिंट करके दे देगा। और हम जब भी इनर लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन चेंज करा देंगे, फिर हम आउटर लूप के पास आ जाएंगे, और आउटर लूप में आई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, ठीक है। तो फिर जब आई की वैल्यू भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, आउटर लूप भी, तो पूरा लूप क्लोज हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए हमारे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को भी रीच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। और इस तरह से आप जितनी भी ज्यादा पैटर्न प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप होंगी, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे उतनी आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।